नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। समाजवादी ड्रामे का ये ताजा एपिसोड है। अब से चंद मिनट पहले मुलायम सिंह यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ना तो वो नई पार्टी का नाम बदलेंगे ना पार्टी का चिन्ह बदलेगा। कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि उनके पास जो था वो सब कुछ वो दे चुके हैं। मुलायम बोले कि किसी भी हालत में टूटने नहीं देंगे। मुलायम का ये बयान कल अखिलेश के साथ बैठक के बाद सामने आया है। कल अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की बंद कमरे में बैठक हुई, जिसमें चर्चा हुई, बात हुई पार्टी के भविष्य को लेकर। तो यहां पर अब मुलायम सिंह यादव ने एक बड़ा बयान अब से कुछ देर पहले दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ना तो पार्टी टूटेगी और ना ही चिन्ह बदलेगा। सुनिए पहले उन्होंने कहा क्या। कर दिया अच्छा, अब क्या बचा मेरे पास? कुछ नहीं। सही है नहीं? जी 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 बिल्कुल। जी बोला कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो मेरे पास था वो पूरा का पूरा बेच दिया। अब मेरे पास क्या है? कुछ मेरे पास आप लोग हैं। हम लोग आजीवन रहेंगे। जो इनका तुम्हारे पास क्या बचा? मेरे पास कार्यकर्ता सशक्त किया जिला है, जिले का डायरेक्टर हुए हो और जनता सनातन दिया जिनकी बदौलत हम यहाँ है खड़ा हुआ। जी जी ये जनता की बदौलत का धनिया है और नेता धने हैं, कल्पो है हमारे, तो ये सब हैं वो हमारे हैं। और इस वक्त हमारे संवाददाता बालकृष्ण जुड़ गए हैं लखनऊ से और जानकारी के साथ हमारे साथ। बालकृष्ण, मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि जो था सब दे दिया, एक भावुक अपील, लेकिन क्या इसके साथ ही मान लिया जाए कि लगातार नरम पड़ते तेवरों की कड़ी में ये एक और बयान घुटने टेक दिए हैं पूरी तरह से? देखिए, मुलायम सिंह यादव शिवपाल के साथ जब ऑफिस आए तो पूरी तरह से हताश दिख रहे थे। मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये अपील की कि पार्टी को किसी भी हालत में टूटने नहीं देना, हमारा साथ देना। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ भी उनके पास था वो दे चुके हैं, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हैं, और साथ में उन्होंने अपील की कि पार्टी नहीं टूटने देना। लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए वो नहीं रुके कि आखिर जब दोनों पक्ष अपने अपना पिटीशन दे चुके हैं चुनाव आयोग में, जब जिस पर 13 तारीख को फैसला होना है, तो पार्टी टूटने से वो कैसे रोकेंगे। दोनों यहाँ से निकलकर दिल्ली गए हैं। पार्टी नहीं टूटने की अब एक ही सूरत हो सकती है कि उसमें मुलायम सिंह यादव या तो अपना पिटीशन वापस ले लें या हार मान लें, या अपने बेटे को कहें कि पार्टी भी तुम्हारी है, सिंबल भी तुम्हारा है। लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए वो रुके नहीं, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को इतना कह के गए कि वो पार्टी से भी कीमत पर पार्टी टूटने देना नहीं चाहते हैं। जी, शुक्रिया बालकृष्ण आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन इस बयान का अहम हिस्सा ये है कि पार्टी का भविष्य क्या होगा, चुनाव चिन्ह को लेकर मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा, पार्टी को लेकर क्या कहा, सुनिए। अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी और राम गोपाल विपक्षी दलों से मिले जो बनना होगा वो पार्टी बना रहे नई पार्टी नाम अजय भारती भारत का उपचुनाव का घोषणा कैसे होगा, ये कैसे होगा बताइए, पसंद क्या नहीं बिल्कुल नहीं आप पसंद करोगे रख दीजिए सर, और अपनी साइकिल भी रखा था। जी 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 साइकिल को लिखा बताने मैंने बोलते जो किया अगला मुख्यमंत्री है आपको किसी विवाद में न पड़ना, नहीं पड़े विवाद पर हम बढ़ते रहेंगे, तुझे विवाद में नहीं होता। जय हो रे भाई, जय हो।